तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं ये दोनों। निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडेक्स है NSE और BSE के। NSE का इंडेक्स है निफ्टी और BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स। निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें निफ्टी और सेंसेक्स की जरूरत क्या है। हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट में 4000 से लेकर 5000 तक कंपनियां लिस्टेड होती है। अब सबका हिसाब रखना तो मुश्किल है, इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स की मदद से हमें स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू मिल जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। वैसे ही अगर आपको किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट का हाल जानना है तो आप उसके इंडेक्स से पता लगा सकते हो, पर ये इंडेक्स हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते। और स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट टाइप के इंडेक्स होते हैं, जैसे आपको एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जानना है, जैसे मान लेते हैं आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानना है तो आप निफ्टी बैंक को देख सकते हो। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई कंपनी कुछ क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरी कंपनी से जो अच्छा परफॉर्म कर रही हो और हाई रिटर्न्स दे रही हो। जैसे सितंबर 22 में निफ्टी 50 में से श्री सीमेंट लिमिटेड को हटाकर अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को लाया गया था। निफ्टी में 50 कंपनी और सेंसेक्स में 30 कंपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लिस्टेड होती हैं। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कंपनी एक्स है, उसके नंबर ऑफ शेयर 1000 है और शेयर प्राइस 10 है, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 10,000। और मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते कैसे, नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब समझते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अगर कंपनी एक्स के पास 100 शेयर है और उसने इशू किया ओनली 30 शेयर ही, तो फिर नंबर ऑफ शेयर 30 और प्राइस 10 है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 300 हो गया। इसी को कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि इंडेक्स हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, और ये क्यों नहीं होते इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। दो कंपनियां, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। कंपनी एक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ है और 50 करोड़ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बाकी के 150 करोड़ ओनर के पास है। और कंपनी वाई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 60 करोड़ और बाकी के 30 करोड़ ओनर के पास है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कंपनी वाई का मार्केट कैपिटलाइजेशन हाफ है कंपनी एक्स के मुकाबले, पर फिर भी सेंसेक्स या निफ्टी पर कंपनी वाई का ज्यादा वेटेज रहेगा कंपनी एक्स के मुकाबले। पर एक इंडेक्स एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है एक इन्वेस्टर का। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।